हूँ आपके साथ कोमल गुप्ता, वॉइस टीवी यूपी पर आपका स्वागत है। इस वक्त की खबर फिरोजाबाद के मेडिकल कॉलेज की थर्ड ईयर की छात्रा मानवी गुप्ता यूक्रेन के खारकीव में फ्लैट के अंदर फंसी है। फ्लैट के अंदर है बिल्कुल अंधेरा। बता दें फिरोजाबाद में मानवी की माँ और दादी का रो रो कर बुरा हाल। प्रधानमंत्री से लगाई गुहार, सभी बच्चों को लाया जाए सुरक्षित। फिरोजाबाद के चंगामल के बाग के रहने वाले अजय गुप्ता और उनकी पत्नी पायल गुप्ता की बेटी मानवी गुप्ता यूक्रेन के खारकीव में इस समय फ्लैट में फंसी हुई है, जो कि लुगानस्क स्टेट मेडिकल यूनिवर्सिटी में थर्ड ईयर की छात्रा है। आज सुबह 9:30 बजे मानवी ने अपने माता पिता से उनसे बात की थी। मानवी की मां पायल गुप्ता का कहना है कि उनकी बेटी बहुत ज्यादा दहशत में है। उसका कहना है कि वह फ्लैट के अंदर ही बंद है, बिल्कुल अंधेरा कर रखा है और धमाकों की आवाज सुनाई दे रही है। कहा कि मेरी बेटी बहुत डरी हुई है और उसके साथ बहुत सारे बच्चे भी फंसे हुए हैं। उसका यह भी कहना है कि नेट भी कभी भी बंद हो सकता है क्योंकि यहाँ बराबर धमाके हो रहे हैं। कहा कि मैं प्रधानमंत्री से गुजारिश कर रही हूँ कि जितने भी बच्चे वहाँ फंसे हुए हैं वह सकुशल वापस आ जाएं। मानवी के यूक्रेन में फंसे होने से मानवी की दादी भी बहुत रो रही हैं और उसकी माँ का रो रो कर बुरा हाल है। आंखों से उनके आंसू बंद ही नहीं हो रहे हैं, बहुत ज़्यादा परेशान है माता पिता। कब बात हुई थी आपकी? आज सुबह सुबह 2:30 बजे। तो पता तो कब लगा था यार? ये बड़ा बोला थर्ड ईयर है इसकी, है पांच सेमेस्टर होते हैं ना। वही है, और हम भी जो है वही रेड बोर्ड में लिख कर मिलेंगे, अगर से कहेंगे जल्दी मैं सेफ हूँ। और साथ में उनके फ्रेंड भी, कितने लोग फंसे हुए क्या बता रहे हैं? हाँ, फ्रेंड्स हैं फ्लैट में उसके, उनके फ्रेंड्स हैं लेकिन फिरोजाबाद के नहीं है, वैसे फ्रेंड्स हैं इंडियंस फ्रेंड्स हैं। हाँ, आप चिंता मत करिए, इतना ही बात हुआ सुबह 9:30। तो कोई खाना वाना कुछ क्या खा रही है, कुछ ऐसा कुछ बोल रही थी? नहीं, उनके पास है जो खाना वगैरह तो है, पानी वगैरह है जो है वो खा रही। 20 घंटे दूर होने की वजह से वो नहीं आ सकती है, ये कहते जहाँ है वहीं रहे। उनके उनके ओनर ने बोला है कि आप यहीं रहिए जहाँ हैं, क्योंकि हम बाई रोड ले जाएंगे तो कुछ भी हो सकता है, और खारकी में तो कर्फ्यू लगा हुआ है। छोटी वाली भी पढ़ती है क्या? वो दिल्ली। क्या नाम है आपका? हाँ, मेरा नाम पायल गुप्ता है और मेरी बच्ची मानवी गुप्ता खारकी यूनिवर्सिटी वहाँ पर पढ़ती हैं, मेडिकल स्टूडेंट हैं यूक्रेन में। और वो अभी फ्लैट में हैं। अभी मेरी सुबह 9:30 बजे बात हुई थी उनसे, तो वो कह रही थी कि मम्मी मैं सेफ हूँ, कभी भी नेट बंद हो सकता है, यहाँ लाइटें बंद कर दी गई हैं और मुझे धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही है, और मतलब मैं थोड़ी डरी हुई हूँ, लेकिन आप लोग चिंता मत करो और नेट कभी भी बंद हो सकता है, मेरी बात कभी भी आपसे हट सकती है, मैं अभी निकल नहीं सकती हूँ क्योंकि 20 घंटे दूर हूँ मैं, जहाँ से फ़्लाइट उठती हैं पोलैंड से, मैं 20 घंटे दूर हूँ तो बाई रोड नहीं आ सकती हूँ। वहाँ के ओनर ने कहा है कि क्या आप वहीं रहिए इस फ्लैट में, सेफ़ रहिए, मतलब हम नहीं निकाल सकते हैं आपको अभी, जो पास के बच्चे हैं वो ही जा सकते हैं। अच्छा, एक आपकी बात हो रही है तो क्या सब क्या बता रही थी बच्ची की? अंधेरा कर रखा, क्या कर रखा है? हाँ, लाइटें बंद कर दी गई है और मतलब नेट कभी भी बंद हो सकता है, और अभी तो बंद है उनका नेट, सुबह बोली थी कि बंद हो जाएगा, आप फिक्र मत करिए। सुबह 9:30 बजे मेरा बात हुआ था उनसे, और बच्ची दहशत में थी थोड़ी सी, और वो कह रही थी कि मम्मी धमाकों की आवाज़ सुनाई दे रही। अच्छा, खाना कुछ खाने मिल रहा है उन्हें या नहीं मिल रहा है? नहीं, खाना उनके पास है अभी, मतलब उन्होंने स्टॉक कर लिया था तो अभी है।
मतलब क्या कहेंगे प्रधानमंत्री जी मोदी जी से? जो मोदी जी से मैं ये कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी भारतीयों को बाहर निकालें, मेरी बच्ची को बाहर निकालें, क्योंकि मेरी बच्ची बहुत दूर फंसी हुई है खारकी में। खारकी 20 घंटे दूर है वहाँ से जहाँ से फ्लाइट उड़ रही है। काफ़ी बच्चे आ चुके हैं लेकिन मेरी बच्ची फंसी हुई है और 5,000 बच्चे फंसे हुए हैं खारकी में। मतलब 5,000 बच्चों को मदद की ज़रूरत है। मत मोदी जी से मैं यही कहना चाहूँगी कि जल्दी से जल्दी इंडियंस बाहर निकालें मेरे बच्चों को, सबको, और बस सुरक्षित आ जाए भारत। सर क्या नाम है? अजय गुप्ता। अजय जी, आपकी बेटी यूक्रेन में है, कहाँ की जगह, क्या नाम है उसका? मानवी गुप्ता है, खार की जगह में फंसी हुई है वो। मतलब कि पूरा खार की बंद पड़ा हुआ है और वो अभी 2 दिन पहले नीचे मेट्रो में भी आई थी रुकने के लिए, फिर उन्हें फ्लैट में फिर वापस कर दिया गया। अब वो फ्लैट में ही रह रही हैं इस टाइम। अच्छा, आपकी कब बात हुई थी उसे लास्ट? सुबह हुई थी, 9 बजे मेरी बात। क्या बोल रही थी बेटा? वो ये कह रही थी कि पापा कि यहाँ कभी भी नेट जा सकता है और कल रात से यहाँ लाइट भी बंद कर दी गई है और मेरा मोबाइल भी डिस्चार्ज हो जाएगा, तो मैं आपको कॉल करूँगी। और मुझे यहाँ धमाके भी हो रहे हैं आसपास, उसकी भी आवाज़ आ रही है। और हमारे सर ने ये कहा है कि अगर कोई सायरन बजता है वहाँ तो सब बच्चे नीचे आ जाएं, सब बच्चे नीचे आके इकट्ठा हो जाएं, और उसके बाद कोई अगर अंदर घुसता है तो अपना आई कार्ड दिखा दे कि हम इंडियन हैं, तो आपसे कोई कुछ नहीं कहेगा, आपको कार्ड दिखाना ज़रूरी है इंडियन का। अच्छा, प्रधानमंत्री जी से क्या कहेंगे, जिस तरह आप परेशान हैं, आपकी वाइफ जो रो रही हैं, क्या कहना चाहें, कैसे व्यवस्था और अच्छी की जाए? प्रधानमंत्री यही कहना है कि सब बच्चे सुरक्षित और जल्द से जल्द लाए जाए। तो खाने पीने की क्या बच्ची से बात हुई? क्या अभी 4-5 दिन का स्टॉक है उसके पास? बस उसके ऐसी कोई बात हुई कि कभी एमएनसी में कि एमएनसी में उन्होंने नंबर, मतलब कि कागज डॉक्यूमेंट पूरे दे चुकी हैं वो? ऐसा बता रहे थे कुछ 2-3 दिन लगेंगे या कुछ समय दिया? नहीं, अभी कोई वो तो मना कर रहे हैं, अभी कोई सुनवाई नहीं। बहुत घबराहट हो रही है, बहुत ज्यादा, खाना भी नहीं खा रहा है किसी ने।